नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी, 9 बजे के समाचार में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिला प्रभारी मंत्री के क्षेत्र चिंता की कीचड़ के खस्ता हालत में, अधिकारी खामोश। अभिनेता दर्शन को आया फेक कॉल। कोविड से उभरे मरीज अब साइटोमेगालो वायरस से परेशान। छात्रों को अब सीटी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वथ नारायण। आज पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। एक्शन में यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ तैयारियों और रणनीति पर की चर्चा। इराक के कोविड अस्पताल में लगी आग, कम से कम 50 की मौत, दर्जनों घायल। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। औरा तालुका के चिंताकी में तेलंगाना से जोड़ने वाली सड़क खस्ता हालत में है। इस सड़क से तेलंगाना राज्य से रेती की ओवरलोड लॉरियों का संचालन रहने से यह सड़क पूरी तरह खराब हो गई है। इस सड़क की खस्ता हालत को देखने के बाद भी विभागीय अधिकारी मरम्मत करने के कार्य को नजरअंदाज करने की बात केपीसीसी सोशल मीडिया अध्यक्ष सुधाकर कोल्लूर ने हमारे चैनल के माध्यम से कही। बता दे कि यह क्षेत्र जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान का पड़ता है। इसके बावजूद सड़कों की यह हालत रहना बहुत ही चिंता की बात है और कई सवाल पैदा होते हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ರಸ್ತೆ ಔರಾದಿಂದ ಏನು ಚಿಂತಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಂಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಲೆಂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಮರಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಲಾರಿಗಳು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿಂತಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರು ನಿಂತು ಜನ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ PWD ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳ ದುಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ RTO ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾರಿಗಳು ಓವರ್ ರೀತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವೊಬ್ಬ RTO ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. जमीयत उल कुरैशी संगठन की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष नबी कुरैशी ने नई दिल्ली में राज्य के नए मंत्री भगवंत खुबा को बधाई दी। खुबा ने विश्वास व्यक्त किया कि वह अपने कार्यालय के दौरान राज्य के साथ बीदर जिले में कई महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। अब फेक कॉल फिल्म जगत के मशहूर सितारों को भी आने लगे हैं। एक ऐसा ही कॉल कनाडा के चैलेंजिंग स्टार दर्शन को भी आया है। दर्शन ने आज बेंगलुरु में संवाददाता सम्मेलन में इस बात का खुलासा किया। दर्शन ने बताया कि वह कोरोना महामारी के चलते पिछले कई दिनों से मैसूर के अपने फार्म हाउस में ही थे। वह 6 जून को बेंगलुरु पहुंचे। इस बीच उन्हें एक उमापति नामी व्यक्ति ने कॉल कर पूछा कि क्या आपने किसी को श्योरिटी दी है। इस दौरान उमापति ने एक अरुणा नामी महिला को कॉन्फ्रेंस में लिया तो महिला ने दर्शन से बताया कि उनके 4 दोस्तों ने 25 करोड़ के लोन के लिए पूछा है। दर्शन ने जवाब में कहा कि सभी दोस्त उन्हीं के साथ है। दर्शन ने शिकायत दर्ज करके छानबीन करवा रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन इतल सर एलू हेच्चु कमी ऐप्रिल 9 ना एक्चुअली मैसूर बंद तोट के एला कड़े लॉकडाउन कारण नावेलू हर ऐनू सो हर्ष और नमु तुम हल पर्चय आर इलो दिन नम्बर या मैसूर यूनियन आक्चुअली बिलियर्ड्स गेम्स ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಜೂನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನನಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಮಾಪತಿ ಅವರಿಂದ, ಬಸ್ ಯಾರಿಗಾನು ನೀವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಶ್ಯೂರಿಟಿನ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಏನು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾನು? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 25 ಕೋಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 25 ಕೋಟಿಗ? ಏ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಫೇಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರುಣಾ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಮ್ಮ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಸಾಲ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೆಲಾಂಟ, ರಾಕೇಶ್ ಪಾಪಣ್ಣ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮ, ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ.
ಯೂಶ್ವಲಿ ನಂದು ಮೊದಲೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೌದಾ ಒಬ್ಬ ಬಂತಲ್ಲ ನೀವು, ಹೌದಾ ಏನು ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कर्नाटक में कोविड के दैनिक मामलों की संख्या 2000 से कम रही. इस माह में दूसरी बार ऐसा हुआ है. इससे पहले 4 जुलाई को 1564 मरीज मिले थे, जबकि रविवार को 1978 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई. इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 28,71,298 पहुंच गई. हालांकि इनमें से 27,98,703 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं. स्वस्थ हुए 2,326 लोगों को रविवार को छुट्टी मिली. कोविड के अब 36,737 मामले हैं, जबकि कोविड से 35,835 मरीजों की मौत हुई है. इनमें से 56 मौतों की पुष्टि रविवार को हुई. टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.24% और केस फेटालिटी दर 2.83% दर्ज की गई, जबकि मृत्यु दर 1.24% है. दयानंद सागर इंस्टीट्यूशंस 2021 की परीक्षा लिखने की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त सामान्य प्रवेश परीक्षा और कॉमेड के कक्षाएं प्रदान करेगा. विषय विशेषज्ञ भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे. उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और प्रतिस्पर्धा के बीच ऑनलाइन कोचिंग अनिवार्य हो गई है. सभी वर्गों के छात्र उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और मुफ्त कक्षाओं का लाभ उठा सकेंगे. ब्लैक फंगस सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे कोविड से उभरे मरीजों व चिकित्सकों के लिए अब एक और स्वास्थ्य समस्या चुनौती बनकर उभरी है. साइटोमेगालोवायरस या CMV बीमारी के नाम से जाना जाता है. इसे आम भाषा में हर्पिस वायरस संक्रमण भी कहते हैं. चिकित्सकों के अनुसार ये मामले उन मरीजों में ज्यादा देखे गए हैं जो कोविड से उभर चुके हैं और उपचार के दौरान जिन्हें स्टीरॉयड दी गई थी. शहर के मणिपाल अस्पताल में एक ऐसे ही 50 वर्षीय मरीज का उपचार जारी है, जबकि शहर के अपोलो अस्पताल में 63 वर्षीय मरीज की मौत हो चुकी है. शहर के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने रविवार को हृदय प्रत्यारोप कर आंध्र प्रदेश के धर्मावरम की 38 वर्षीय महिला की जान बचाई. महिला हृदय की डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बीमारी से पीड़ित थी और हृदय प्रत्यारोप ही अंतिम उपचार था. चिकित्सकों की सलाह पर महिला ने अंग दान के लिए नोडल निकाय जीव सार्थकते के साथ गत वर्ष दिसंबर में पंजीकरण कराया था. उसे 7 महीने के भीतर दाता मिली. रमैया नारायण हार्ट केंद्र के डॉक्टर नागमलेश UN ने बताया कि डोनर एक 36 वर्षीय महिला थी जो एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और बन्नेरघट्टा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन थी. चिकित्सकों ने 10 जुलाई को रात करीब 10 बजे उसे ब्रेन डेड घोषित किया. परिवार ने अंगदान के लिए सहमति दी. उड़पी में हाथियों और अन्य जंगली जानवरों को खेत में जाने से रोकने के लिए वन विभाग कर्नाटक में जंगल की सीमाओं पर स्टील के तार की बाड़ लगाने पर विचार कर रहा है. वन मंत्री अरविंद लिम्बावली ने रविवार को जिले में ब्रहनवार और नलकुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद कहा कि तमिलनाडु सरकार हाथियों को रोकने के लिए स्टील के तार की बाड़ों का उपयोग करती है. यह सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है. अब समय है एक छोटे से ब्रेक का. देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24x7. हेलो. अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है. छोड़ दो, तुम्हें पूरे सर्वे नंबर मालूम है. आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है. मैं करता हूँ. अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा. एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे. क्या है सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा. हजार कंधों में नहीं जाना. KP News 24x7 हिंदी चैनल है. सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती. अभी डाउनलोड कर लेता हूँ. पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे. यस, आप लोग भी KP News 24x7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए. जल्दी कीजिए.
डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयास खान जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयास खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयास खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयास खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयास खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयास खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयास खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। पूर्व क्रिकेटर और विश्व कप के हीरो रहे यशपाल शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले थे। यशपाल शर्मा के निधन पर भारतीय क्रिकेट जगत में छाया गम का माहौल। इसके अलावा राजनेताओं ने भी जताया अफसोस। तीसरी लहर की आशंका। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कम से कम 5% सैंपल हर माह भेजना जरूरी है। कोरोना वायरस के गंभीर वेरियंट फैल रहे जिसकी वजह से आगामी तीसरी लहर आने की चर्चा हो रही है, लेकिन इन वेरिएंट का पता लगाने के लिए भारत अब भी जीनोम सीक्वेंसिंग के स्तर पर मजबूत नहीं है। स्थिति यह है कि सरकार ने हर माह कम से कम 5% सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश राज्यों को दिए थे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक 34 राज्यों ने 10% सैंपल भी नहीं भेजे हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस के कौन कौन से वेरियंट अथवा म्यूटेशन मौजूद है इसकी जानकारी कयासों पर लगाई जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार परिषद और रणनीतिक समूह की इस डिजिटल बैठक में प्रियंका ने महंगाई, पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, महिला विरोधी अपराधों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आधिकारिक बयान के मुताबिक बैठक में यह फैसला किया गया कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर और भी मजबूती से उतरेगी। आज टकरा सकता है तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा सोलर स्टॉर्म, आम जीवन पर पड़ेगा बड़ा इम्पैक्ट। धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा सौर तूफान आज धरती से टकरा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो मंगलवार या बुधवार को यह जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म तूफान के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने की आशंका है। सूर्य की लपटों के कारण उपजा यह तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है और इसके जल्द ही पृथ्वी से टकराने की आशंका है। इराक की राजधानी बगदाद के एक अस्पताल में आग लगने से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कोरोना वार्ड में यह आग लगी है जहां वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था। हादसे में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत आग में बुरी तरह झुलसने की वजह से हुई है, साथ ही जख्मी लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में आग की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। हालांकि अभी इस पूरे हादसे की जाँच होनी बाकी है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में आ गए हैं। फिल्म की शूटिंग लद्दाख में चल रही है, जिसे लेकर वहां के लोगों ने आरोप लगाया है कि फिल्म की टीम लद्दाख में प्रदूषण फैला रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का पहला एपिसोड 28 जुलाई 2008 को प्रसारित किया गया था।
13 साल से ये शो लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इसकी लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आई है। शो का हर एक किरदार अपने आप में खास है और इसकी पहचान भी शो के नाम से ही होती है। लंबे समय से चले आ रहे इस सिटकॉम ने हाल ही में 3200 एपिसोड पूरे किए हैं। यह एकमात्र ऐसा पारिवारिक टीवी शो है जिसने हर एक आयु के दर्शकों का मनोरंजन किया है। जेठालाल की परेशानियां, टप्पू सेना की शरारतें और कोकुलधाम की महिला मंडली की तरकीबें लोगों की इस शो पर दिलचस्पी बनाए रखती हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। क्रिस गेल के 38 गेंदों पर 67 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल की। इस मैच में गेल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। यूरो 2020 फाइनल, इटली की जीत की जश्न में एक की मौत, कई घायल। खिताबी जीत के बाद इटली ने जमकर जश्न मनाया, वहीं इस जश्न में एक 22 वर्षीय शख्स की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अंत में समाचार बाजार के। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि आप एक IRCTC अकाउंट से महीने में 6 टिकट बुक करा सकते हैं। इससे ज्यादा टिकट बुक करने के लिए आपको अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होता है। अब टिकट बुकिंग का तरीका बदलने वाला है। केवल एक टिकट के लिए भी आपकी आधार की डिटेल्स मांगी जा सकती हैं। इस हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में उठापटक दिख रही है। हालांकि कारोबार एक सीमित दायरे में ही हो रहा है। सोना वायदा 47,400 से 47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में ही कारोबार करता नजर आया है। सर्राफा बाजार में सोना जुलाई के महीने में अब तक करीब 600 रुपए तक महंगा हुआ है। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री के क्षेत्र चिंता की कीचड़ के खस्ता हालत में, अधिकारी खामोश। अभिनेता दर्शन को आया फेक कॉल। कोविड से उभरे मरीज अब साइटोमेगालो वायरस से परेशान। छात्रों को अब CET पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वथ नारायण। आज पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। एक्शन में यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ तैयारियों और रणनीति पर की चर्चा। इराक के कोविड अस्पताल में लगी आग, कम से कम 50 की मौत, दर्जनों घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।